हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तनु और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है बहुत ही स्वादिष्ट सा यम्मी सा खिचड़ा का रेसिपी, जो घर पे आप बनाओगे ना सभी लोग पसंद करेंगे। तो रिक्वेस्ट है रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर अपने फ्रेंड फैमिली में ज़रूर कीजिएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए देखिए, मैं यहाँ पे एक कप से कुछ कम गेहूं ले रही हूँ, और इसको ना 3-4 पानी से धो के साफ़ कर लेंगे, क्योंकि गेहूं में ना बहुत गंदगी रहती है, तो अच्छे से वॉश करना पड़ता है। और गेहूं के ऊपर देखिए छिलका वगैरह है ना, इस भी पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो इस पानी को आप किसी भी पौधे में ऐड कर सकते हो, क्योंकि पौधे के लिए बहुत हेल्दी होता है। और इसमें देखिए अभी फिर से एक गिलास पानी ऐड करके ना भिगो कर साइड पर रख देंगे। अब दूसरे एक बाउल, और अब देखिए हाफ कप मसूर का दाल, हाफ कप मूंग का दाल, और हाफ कप मैं यहाँ पे बासमती का टुकड़ा ले रही हूँ। अब इन तीनों को भी ना पानी से अच्छे से धो लेंगे 3-4 पानी से। अब धोने के बाद फिर से पानी ऐड करके ना इसको भी भिगो कर रख देंगे। तो मैं इसको 2 घंटे पहले भिगो रही हूँ, लेकिन आप अगर सुबह को कर रहे हो तो आप ओवरनाइट भी इसको भिगो सकते हो। अब 2 घंटे बाद देखिए हमारा दाल चावल भी पहले से फूल चुका है, और गेहूं भी यहाँ पे फूल चुका है। इससे क्या होता है, बहुत ही ना जल्दी हमारा जो खिचड़ा है पक जाता है, और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता गलने को। अब यहाँ पे देखिए मैंने 500 ग्राम मीट लिया है, मैंने यहाँ पे बीफ लिया है, आप चाहो तो मटन का भी कर सकते हो। तो देखिए 500 ग्राम मीट से ना मैं यहाँ पे कुछ ना कबाब के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे ना मैं देखिए 350 ग्राम अभी कुक करूँगी, और 150 ग्राम के करीब कबाब करूँगी। अब एक कुकर पे देखिए मैं ना अभी 350 ग्राम यहाँ पे मीट ले रही हूँ। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ का प्याज, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और अभी यहाँ पे खड़े गरम मसाला में देखिए मैं दालचीनी, 2 इलायची और जो जायत्री होता है ना, अभी यहाँ पे जायत्री ऐड कर रही हूँ। अब पाउडर मसालों में देखिए 1-2 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1-2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1-2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1-2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और 1 हरी मिर्च को ना मैंने दरदरा कूट लिया है। और मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहते तो आप हल्दी पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, और तीखा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हो। और 1-2 टीस्पून यहाँ पे देखिए गरम मसाला ऐड करेंगे। अब 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ, और स्वाद के हिसाब से आप यहाँ पे नमक ऐड कर दीजिएगा। अब मीट को देखिए मैं ओवन में चढ़ा दी हूँ, और इसे ना 2-3 मिनट तक लो फ्लेम में ही इसको हम कुक करेंगे, जिससे कि हमारा मीट कच्चा ना रहे। और इसको थोड़ा सा भुनने के बाद देखिए मैं यहाँ पे 500 ml पानी ऐड कर दूँगी, और पानी ऐड करने के बाद ना हाई फ्लेम में इसको देखिए 3-4 सीटी लगाएंगे, जिससे कि हमारा मीट बिल्कुल गल जाए। जब तक के कुकर में हमारा मीट देखिए गल रहा है, और बाकी का जो यहाँ पे मीट था ना मैंने इसका कीमा बना लिया है। अभी देखिए यहाँ पे कुछ मसाला ऐड करेंगे, स्वाद के हिसाब से यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और उससे भी कम ना यहाँ पे काली मिर्च ऐड करेंगे। 1 मिर्च को देखिए मैंने कूट लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए 1 बड़े साइज़ के प्याज को कद्दूकस कर लिया है, और इसका ना रस बिल्कुल निचोड़ लेंगे। अब धनिया पत्ता डालने के बाद देखिए मैं यहाँ पे 3 चम्मच भुना हुआ बेसन ऐड करूँगी। बेसन को भूनकर डालने से ना, मतलब जो हमारा जो कबाब जो बनता है ना, बहुत ही अच्छा बनता है, बेसन का कोई भी स्मेल नहीं रहता। अब एंड में डालेंगे देखिए 2-1-2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन सभी को देखिए अच्छे से मिलाएंगे। तो इसको आप कोई सा भी शेप दे सकते हो, टिक्के का, कबाब का। मैं यहाँ पे फिंगर शेप दूंगी, तो आप यहाँ पे अपनी चॉइस के हिसाब से कोई सा भी शेप दे दीजिएगा। अभी हमारा कबाब बिल्कुल तैयार हो चुका है, और कुकर में 3-4 सीटी भी हो चुका है। मैं अभी कुकर को खोलूंगी। कुकर को अपने ही प्रेशर में मैं ठंडा होने के लिए रख दी थी। देखिए अभी यहाँ पे मैं कुकर को खोल रही हूँ, और देखिए कितना सारा पानी, इस पानी को फेंकना नहीं है, इस्तेमाल करना है। मैं अभी देखूँगी मीट यहाँ पे गला है कि नहीं। तो लीजिए देखिए मैं चाकू के सहायते से इसको काट रही हूँ, और बहुत ही आसान तरीके से कट रहा है, यानी हमारा का जो मीट है बहुत बढ़िया तरीके से पक चुका है। अब पानी से मीट को निकाल लेंगे, साथ ही साथ ना यहाँ पे खड़ा गरम मसाला जो हमने ऐड किया है ना, खड़ा गरम मसाला को भी ऐड कर देंगे। बहुत से वक्त खाते वक्त गरम मसाला मुँह में आ जाता है, तो बिल्कुल स्वाद बेस्वाद हो जाता है, इसके वजह से आप खड़े गरम मसाला ना निकाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पे मीट को निकाल लिया है, और सेम पानी में देखिए अभी गेहूं और दाल चावल को भी ऐड कर देंगे, और इसमें ना 4 सीटी लगाएंगे, 2 हाई फ्लेम में, 2 बिल्कुल लो फ्लेम में। अब यहाँ पे मीट को देखिए मैं ना कूट लूँगी बिल्कुल बारीक तरीके से, जिससे कि मीट बिल्कुल रेसा रेसा हो जाए। आप यहाँ पे अगर मिक्सी का यूज़ करोगे तो और भी आसान होगा। तो मेरा यहाँ पे ना मिक्सी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, इसके वजह से मैं कूट रही हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें कूटना है, बिल्कुल बारीक, जितना बारीक कूटोगे ना उतना अच्छा लगेगा, मतलब खिचड़ा में बिल्कुल रेसेदार लगेगा ना, जब भी आप खाओगे तो बहुत बढ़िया लगेगा।
दाल में भी 4 सिटी आ चुका है, मैं भी चेक कर लूँगी दाल गला है कि नहीं। तो देखिए मुझे इसी तरीके का ही चाहिए था, दाल बिल्कुल गल चुका है, बाकी इसको अच्छे से घोटने से स्मैश करने से अच्छे तरीके से घुट जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैं मीट भी ऐड कर दूँगी। तो मीट को देखिए मैंने बिल्कुल रेशेदार बना लिया है। अब मीट डालने के बाद देखिए यहाँ पे ना मैं पहले से गर्म पानी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि जब भी दाल चावल ठंडा होगा ना वो गाढ़ा हो जाएगा, इसके वजह से ना आप यहाँ पे गर्म पानी डालिएगा, ठंडा पानी मत डालिएगा। अब थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे गर्म पानी डालेंगे और चेक करेंगे हमें किस तरीके का खिचड़ी का थिकनेस चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए लकड़ी का मैंने घोटनी लिया है, लेकिन आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं, आपके पास अगर स्मैश करने का जो ग्राइंड मशीन होता है आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे मतलब गाँव में इसको ही यूज़ करते हैं। बहुत से वक्त मट्ठा बनाने के वक्त भी ना इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे ना अच्छे से देखिए घोटेंगे बिल्कुल, जैसे कि थिकनेस आ जाए। तो अभी हमारा देखिए खिचड़ा का थिकनेस कुछ इस तरीके का है और हमें ना इसी तरीके का ही चाहिए। अब एक पैन पे देखिए मैं 1/2 कप वेजिटेबल ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए हमारा जो कबाब है, कबाब को देखिए इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट थी, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक डन कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे लिए न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो देखिए इसको अलटते पलटते मैंने फ्राई कर लिया है, अभी ना इसको तेल से निकाल लूँगी। अब इसको निकाल लेने के बाद सेम ऑयल पर देखिए मैं यहाँ पर सूखी मिर्च ऐड करूँगी। अब इसमें 1.5 इंच कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे और साथ ही साथ ना 4 कटा हुआ हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अब गोल्डन कलर आने तक को इसको फ्राई करेंगे। जब फ्राई हो जाए अभी यहाँ पे हमारा कबाब को भी ऐड कर देंगे और इसको ना बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे। अब एंड में डालेंगे देखिए 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है। और देखिए अभी ना हमारा जो अभी दाल चावल जो है ना दूसरे साइड पर मैं बिल्कुल लो फ्लेम में कुक कर रही थी, अभी ना इसको ना हमारा दाल चावल में डाल देंगे। देखिए बहुत ही बेहतरीन महक आ रहा था और खाने में भी ना बहुत लजीज लगता है, आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं अभी कर लूँगी प्लेटिंग। अब प्लेटिंग करते करते फिर से एक बार बोलूँगी फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड फैमिली में और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो लीजिए हमारा खिचड़ा का प्लेटिंग तैयार है। आज के लिए इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफिज़ और थैंक्स फॉर वॉचिंग।